रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर मंदिर स्थित मार्कंडे भवन में, जहां पर बनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम किया जा रहा है बनवासियों की रक्षा हेतु। हमारे साथ मौजूद हैं अजय त्यागी जी। अजय जी, जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? जो कार्यक्रम जो हमारे वनवासी जो वन में रहने वाले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको आज तक जैसे अभी शहरों में दिखता है कि वनवासी जो परिवार होता है जो वनों में ही रहता है और पेड़ों के नीचे अपना जीवन व्यर्थ करता है, ठंड से गर्मी से हाथ रहता है, तो उस परिवार को जोड़ने के लिए ये सारे परिवार जो यहाँ पे आए हैं हजारों की संख्या में जो यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, तो ये इसी जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई किसी वनवासी गांव को गोद ले, उस गांव में जो भी सुविधा हम दे सकें, तो ऐसे कार्यकर्ताओं कार्यक्रम यहाँ पे आज एकत्रित करा है। पूरी दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और ये हमारा एक संघ का आयाम है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक उसका संघ का भी है कि काम है, अलग अलग काम है उसके, विद्या भारती भी है, बजरंग दल भी है, ऐसे वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन भी, ये संघ का एक आयाम है और बड़े स्तर पर आज कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग, कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, हर तरह की सुविधा, मतलब हर आदमी का दिल अपने समाज सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, इसको बचाने के लिए और हमारे वनवासी जो रहते हैं जंगलों में उनको अपने से जोड़ने के लिए और उनको वहाँ पे उनके गांव बसाए जाएँ, उनकी सारी व्यवस्था की जाए, तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। धन्यवाद। बहुत जाने संस्था के उद्देश्य जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़।